पहला रेड लिया, पहले ही रेड में और रायपुर को अंक मिल गए हैं। क्या बोनस का वो अंक मिला? ऐसी मैच शिकार प्रखर के खिलाड़ी आए। गुड़वाना वेक्टर्स और डिफेंस में भी भरोसा जताया दूसरे अंक के लिए। एक मरतला लगा कि कैच छूट जाएगा, लेकिन अंत में उन्होंने वो हिम्मत जुटा के रखा कि मैं कैच को पूरा करूंगा मैदान के ऊपर, और दूसरा अंक बटोर लिया डिफेंस में उन्होंने। 2-0 के मुकाबले पहले अंक की वो तलाश। और हेलो, इस समय हमारे बीच मंच में छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव आदरणीय बसंत शर्मा जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जगत जी से बैच लगाकर सम्माननीय बसंत शर्मा सर, जो कि छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव हैं, उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। मंच में हमारे बीच वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के कोषाध्यक्ष आदरणीय अवध रामचंद्राकर सर मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जगत जी से सम्माननीय अवध चंद्राकर सर का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच वरिष्ठ कबड्डी खिलाड़ी आदरणीय उदल सिंह मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जगत जी से आदरणीय सीनियर खिलाड़ी उदल सिंह सर का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। सम्माननीय बसंत शर्मा सर का मंच में स्वागत करने के लिए पुष्प गुच्छ भेंट करके आशीष मिश्रा जी से निवेदन कर रहा हूं। बसंत शर्मा जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। आप महासचिव हैं छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के, इतना बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन बिलासपुर में आपने दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आप देख सकते हैं सर, आज लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के मैदान में फ्लड लाइट दूधिया रोशनी से नहाया हुआ मैदान, दर्शकों की तादाद काफी ज्यादा। हमारे बीच वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक और कबड्डी के बहुत ही जानकार आदरणीय कलेश्वर कश्यप सर मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा आशीष मिश्रा जी से कलेश्वर कश्यप सर का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। सभी दर्शकों का श्रीलक्ष्मी स्पोर्ट्स एवं जिला कबड्डी संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी खिलाड़ियों का स्वागत करें जो कि छत्तीसगढ़ के दूर दूर से आए हुए हैं। आप लोगों के लिए आज यहां पर बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री के मैदान पर अपना शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इस प्रतियोगिता का समापन होगा जिसमें फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। जीतने वाली टीम को 1,00,000 रुपए नगद और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। उप विजेता टीम को 71,000 रुपए नगद और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेंद्र जगत सर से, आप प्राचार्य हैं सभी, और साथ में आशीष मिश्रा जी से, राकेश भाई से, सभी सम्माननीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और आप लोगों के ही मार्गदर्शन से इतना शानदार यह टूर्नामेंट यहां पर आयोजित है। ओवर टू हमारे इस मैच के आंखों देखा हाल सुनाने वाले जो भाई हैं, बेहतरीन कमेंट्री करते हैं, समय समय पर आप लोगों को पूरा मैच का आंखों देखा हाल सुनाते हैं।
पीतंबर जगत जी से मैं निवेदन करूंगा, मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे प्लीज। ओवर टू पीतंबर जगत। दो शॉट के मुकाबले इस समय हालांकि वो 5 अंक की बढ़त जरूर है, लेकिन सोमू ने दाम का क्या खेत छूट गया है। मल्टी अंक मिल गया सोमू नेताम को, सोने पे सुहागा हो गया। दो नौ के मुकाबले और 7 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त पहले हाफ में, जहां से यूं कहूं तो 5 मिनट का लगभग समय गुजरा है। अकेले आया, कितने अंक का नुकसान हो रहा है। हम काले के कहत हो कि हाँ बिलासपुर है, हम नान न रहन न तो पिक्चर देखे आन कहू कहू मिथुन के माँ कसम के डायलॉग ये मैदान में भी देखे न मिला थे। ये छत्तीसगढ़ के लड़का है सब, और जिन तरीके से दो का डिफेंस है, अनुभव कितना काम करेगा खगेश नेताम का। अब क्या अनुभव काम कर गया, जिसके लिए वो जाना जाता है वही काम कर गया खगेश नेताम। दो महत्वपूर्ण अंक बड़ा बटोरा सुपर टेकर के बदौलत 5 अंक पर जा रहा है, उछाल लिया इस समय स्कोर में 2 अंक का। जिस तरीके से टेकल हुआ, सुपर टेकल हुआ 8-9 के मुकाबले, अब 4 अंक की बढ़त रह गई, उसकी भरपाई किस तरीके से करेगा इस समय परशुराम वॉरियर्स बेमे तरह की होती। 3 का डिफेंस, अभी भी सुपर टेकल का मौका लगातार उधर से हिदायत होंडी कैप्टन की। 3 का डिफेंस मैदान के ऊपर, यहाँ से नेताम का एक कैच, जब 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर थे दूसरी मरतबा एक दिखाया जरूर, नेताम जी जाना जरूर चाह रहे थे, अपने आप को अंतिम में रोका। यहाँ से किसी तरीके से जल्दबाजी करना हमारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है, अपने आप को खींच के रखा। समय है अभी भी हमारे पास, वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं, चारों दरवाजे क्या 7 दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि दूसरे हाफ भी तो आएंगे अभी। और 5-9 के मुकाबले 4 ही अंक की बढ़त है, और यहीं से हमको ऑल आउट का जो खतरा मंडरा रहा है, जब तक नेताम जी मैदान के ऊपर है तब तक आत्मविश्वास भरा हुआ है परशुराम वॉरियर सब में तरह का। हेलो, अंदर जाने की हिदायत। इस समय हमारे छूट गया है, हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुदेव परम आदरणीय श्री SP यादव सर मंच पर आए हुए हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, वेलकम। आपने ही कबड्डी के सारे गुण शहरवासियों को सिखाए हैं सर। आदरणीय SP यादव सर का मैं बैज लगाकर स्वागत करने के लिए राजेंद्र जगत जी से निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय यादव सर का बैज लगाकर स्वागत करें। बिलासपुर में कबड्डी और खो खो इस दोनों खेल को सर आपने जीवित रखा है, आज कबड्डी मौजूद है, मंच सुशोभित हो रहा है सर आपके आगमन से। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, और अब मैं माइक्रोफोन सौंप रहा हूं पीतंबर जगत जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार कमेंट्री इस प्रतियोगिता के दौरान आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। हालांकि वो कैच छूटा जरूर, और खिलाड़ी थोड़े से इंजोर्ड हुए, और इंजोर्ड होने के साथ नेताम जी रहा वो जो रणनीति चल रहा है मैदान के ऊपर वो साफ बयां हो रहा है, और जिसकी मैं चर्चा पहले ही कर रहा था उसी बहुत तो वो कैच भी दिया। 2 आर डायरेक्ट के स्पेशलिस्ट रेडर है, 5 के डिफेंस है, डिफेंस इसलिए कि एक तो पुना साफ है, आपको अंदर जाने होंगे, अंदर जाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और ऊर्जा का संचार मैदान के ऊपर करना होगा, 5 के डिफेंस के ऊपर इसलिए कि थोड़ी सी मैदान बड़ी हो जाती है। नेताम सीना ला दिया है, और नेताम जहां सीना लाएगा वो अंग सुनिश्चित परशुराम बे में तरह को हो गया। जैसे ही नेताम जी सामने गए रेडर का, वहां से रेडर को कोई स्किन नजर नहीं आया, और अंत में अपना अंक दे बैठा। 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, एक मर्तबा लग रहा था परशुराम वॉरियर्स बेमे तरह आलम खा जाएगी। लेकिन जैसे ही नेताम जी का रिवाइवल हुआ, नेताम जी का अनुभव काम कर गया। हालांकि सोमू नेताम का वो जादू चल रहा था, लेकिन सोमू नेताम के उस जादू पर पानी फेर के रखा दूसरे नेताम और खगेश नेताम ने, इसलिए और खगेश नेताम के पास जितना अनुभव है वो पूरा अनुभव लगा के बैठेगा इस मैच में,
और सुरहम वारियर से क्यों नेतृत्व भी कर रहे हैं, उनके ऊपर जवाबदारी भी है, यहाँ से बोनस देना पसंद कर रहे हैं। एक लोना लेने के साथ दबाव में धकेलने की जो प्रयास है वो प्रयास यहाँ से सफल क्या हो जाएगा, और रेडर अकेले रह गए हैं, यहाँ से क्या सोमू नेताम को रिवाइवल के ले जाएगा। अगला खिलाड़ी नेताम फिर एक बार सीना लाया, बोनस प्लस वन पॉइंट का इशारा जरूर हुआ, इक्वल अंक का इशारा हुआ, नेताम बाहर जा रहे हैं हालांकि इस समय, और इसी बीच आसमानी उंगलियां उड़ गई है और आज इनके लिए भी इशारा हो गया है गुड़वाना विक्टर्स रायपुर को 13-11 के मुकाबले 6 in 3 आउट हुआ है। भरा हुआ मैदान, अब सोमू नेताम जहां से 2 ही अंक की बढ़त है, लेकिन ऑल आउट मिलने से जो दबाव जाता है टीम के ऊपर उस दबाव से निखरेगा कौन, और यहां से जो जितना निखार लाएगा इस मैदान के ऊपर जो सुझाएगा वही बाजी मार जाएगा एंकर लिया। सुपर रेड गल डल गया है नेताम के द्वारा, 3 पॉइंट का इशारा हो गया, अब चल करके बढ़त पर चली गई इस रेड के बदौलत। इसीलिए कहते हैं कि कबड्डी का खेल और एक रेड में हमने हवा होते देखे हैं, और 13-14 के मुकाबले अभी अभी 3 अंक की वो बढ़त साफ बया हो रही थी वहां से, यहां क्या खेल चुका दोनों टीम बराबर पर आ गई है 14 अंक पर। परशुराम वॉरियर्स बेमेतरा की ओ टीम और साथी गोड़वाना विक्टर की ओ टीम, नेताम सोमू नेताम का हो इस तरीके से अंदर जाना, एक अंक लिया, 15वें अंक सुनिश्चित किया, ऑफिशियल टाइम आउट। वन टेक्निकल पॉइंट के लिए इशारा हो गया, और 15-15 के मुकाबले दोनों टीम बराबर पर है, लेकिन उनके मुख्य रेडर को सीटिंग ब्लॉक पर बैठा के रखना, अव्वल दर्जे को उस रेडर को सीटिंग ब्लॉक पर बैठा के रखना, उसी का तो फायदा ले रहा है इस समय परशु वॉरियर्स बेमेतरा की और टीम। 2 नंबर के जर्सी पर सुजीत यहाँ, जहाँ 5 का डिफरेंस है, और राइट कॉर्नर पर फिर एक मरतबा क्या जाना सुनिश्चित किया, 1 अंक मिल गया। 16वें अंक पर इस समय 16-15 के मुकाबले विजय है, और दूसरे दर्जे का वो रेडर बोनस के लिए अटेम्प्ट के लिए वो पैर जरूर डाला, क्या सुनिश्चित होगा, बोनस का अंक मिल गया। 16-16 के मुकाबले दोनों टीम बराबर पर है, 4 खिलाड़ी क्या दूसरे मर्तबा वो ऑल आउट के लिए धीरे धीरे धकेल रही यहाँ से, वो परशु वॉरियर्स की नेताम की क्या रणनीति मैदान के ऊपर इस समय बढ़ रहा है कि यहाँ से हमको सिंगल, इसी तरीके से आप क्लैपिंग नहीं कर सकते अर्थात ताली नहीं बजा सकते, उधर से साहू जी का वो साफ निर्देश है खिलाड़ियों के लिए, जैसे कि कुछ अभी अमूमन गलतियाँ भी हुई थी जिसका वो टेक्निकल अंक वो एक हरजाना भरना पड़ा, एक अंक देना पड़ा, और एक अंक वो 24 कैरेट सोने का मूल्य है यहाँ पर, जिस तरीके से लाखों की इनाम की लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है, 1 लाख रुपये की वो प्रथम राशि, और साथ ही वो चमचमाती ट्रॉफी, कौन सी टीम अपनी सरजमी पर उस ट्रॉफी को ले जाएगा उसी का तो लड़ाई लड़ा जा रहा है, लेकिन लायन जंप देखने को मिल रहा है यहाँ से परशुराम के तरह की ओर से। 17-16 के मुकाबले अभी भी 1 अंक की बढ़त, लेकिन बड़ी बढ़त में तब्दील न हो पाना, जिस तरीके से एक ऑल आउट लिया और उसी ऑल आउट लेने के साथ लगातार अंकों की भरपाई करते चले जाना, फिर एक मरतबा कहो कि खिलाड़ी सीना हड़ाया, और
18-16 अब दो अंक की बढ़त है। यहाँ दो खिलाड़ी है और दो खिलाड़ी के पास वो मौके भी है सुपर टेकल का, साथ ही एक रिवाइवल की भी तो खास आवश्यकता है। दो से बढ़कर क्या तीन होना चाहेंगी यहाँ से, उसके लिए वो बीड़ा कौन उठाएगा, लेकिन उधर क्या रणनीति होगा, उनके यहीं से और टेकल के लिए जाना पसंद करेंगे या फिर रेट के जरिए वो ऑल आउट के लिए धकेलना पसंद करेंगे। फिर एक बार 9 नंबर की जैसी राइट के रेडर अंदर गए और अंदर जाने के साथ क्या बोनस के लिए उन्होंने पैर डाला और सुनिश्चित किया, दो मुख्य निर्णायकों ने वो सुनिश्चित किया कि 18-17 के मुकाबले अभी भी एक अंक की बढ़त। दूसरे खिलाड़ी के ऊपर छपाटा जरूर मारा, हाथ जरूर चलाया, लेकिन फायदा नहीं मिला। दूसरी मरतबा वो प्रयास कर रहे हैं सुपर टेकल का मौका, और सुपर टेकल का मौका भुन गया तो अंक की जो बढ़त है वो बढ़त चली जाएगी गुणवाना विक्टर के पास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दूसरी मरतबा क्या वो इंतज़ार भी हो रहा है फिर एक बार, और जिस कॉर्नर मुख्य कॉर्नर पर ही डबलिंग करने के साथ बोनस के लिए थोड़ी सी डांस देने के साथ तेज़ी से पैर चलाना, वहीं से फायदा मिल जा रहा है लगातार रेडर को। और इस मरतबा थोड़ी सी आगे खेलना, बोनस पट्टी के आसपास इर्द गिर्द खेलना है। डू आर डाई का रेड और रेडर को खास करके बिल्कुल पसंद नहीं है, और अंदर गए अंत में आपा खोया और क्या आसमानी इशारा हो जाएगा। 2+2 का इशारा हो गया, साथ ही वो ऑल इन का इशारा हो गया गुणवाना विक्टर्स रायपुर के लिए 22-17 के मुकाबले। प्रथम पुकार पूल बी से मैच रेफरी की ऑफिशियल को जानकारी हिदायत के साथ पहला रेड ले रहा है दूसरे हाफ में परशुराम वॉरियर्स एक 5 अंकियों बढ़त के साथ। सुजीत 2 नंबर की जर्सी, हालांकि थोड़े इंजोर्ड भी हुए लेकिन कबड्डी के वो खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर जज्बा रहता है वो देखते ही मर रहा है। सुजीत ने जिस तरीके से और अपने आप को खाली हाथ ही वापस ले जाना बेहतर समझा, खास करने सुजीत ने 5 अंक की जो बढ़त है उसको कितने समय तक बरकरार रखेगा, अपने पक्ष में रखेगा, ये भी तो देखने वाली बात है। 5 अंक की बढ़त अगर बड़े टीमों के मुकाबले की बात कहूँ तो बहुत बड़ी बढ़त है। पहले हाफ का खेल इस समय हमारे बीच बहुत ही हमारे सम्माननीय परम आदरणीय श्री अनिल दास जी का मंच में आगमन हुआ है। पूर्व BDA अध्यक्ष, वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कबड्डी संघ के सभी पदाधिकारी सम्माननीय श्री अनिल दास जी पूर्व BDA अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं मंच में, आपका हार्दिक स्वागत है सर। मैच तो हो जाएगा, मैं ये राजेंद्र जागृत जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय अनिल टासर का बैज लगाकर स्वागत करेंगे और पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय खिलाड़ी आदरणीय राजेंद्र जगत जी, सम्माननीय अनिल टास जी का पुष्प गुच्छ से और बैज लगाकर स्वागत करेंगे। ओवर टू पीतांबर जगत जी। परशुराम वॉरियर्स बेमेतरा, गुणवाना विक्टर्स रायपुर 23-18 के मुकाबले इस समय लीड पर है परशुराम वॉरियर्स की टीम। मैदान 7 खिलाड़ियों से भरा हुआ फुल हाउस मैदान के ऊपर सोमु नेताम है 1 की जर्सी के साथ, राइट रेडर है और फिंगर टच के लिए गए, एक खिलाड़ी लॉबी पे चले गए हैं जहां से डिफेंस से तो एक अंक तो सुनिश्चित हुआ इस रेट पर। जैसे भी हो इस समय अंक की आवश्यकता है, हालांकि डिसीजन आया नहीं है और तब तक, और कहते हैं कि डिसीजन जब तक ना आ जाए निर्णायकों का
आप रेड की शुरुआत कर नहीं सकते। और इस एक अंक के साथ अब 19 अंक पर गोडवाना विक्टियर्स रायपुर की टीम, जहां डिफेंस इस समय संभाल रहा है अपना 7 खिलाड़ियों के साथ फुल हाउस मैदान के अंदर। परशुराम वारियर्स लीड के साथ है जरूर, राजेंद्र नंबर 1 की जर्सी के साथ उन्होंने एक टच अंक निकाला है अपने टीम के लिए। और इस अंक के साथ बेमेतर अब 24 अंक पर, दूसरी ओर रायपुर गोडवाना विक्टोरियस 19 पर है नंबर 1 की जर्सी। क्या शोमो एक बार फिर मर्तबा वो रेड पे करिश्मा कर पाएंगे, जहां से एक अंक की भरपाई, पीठ दिखाया, दो खिलाड़ी आए और अंकों की गिनती लगाया जा रहा है, खिलाड़ियों की गिनती लगाया जा रहा है। मतलब ये है कि सुपर रेड का इशारा हो रहा है, तीन अंकों का इशारा, तीन अंकों के साथ ही इस रेट के सुपर रेट के साथ ही अब 22 पर गोडवाना विक्टोरियस रायपुर की टीम अब 2 अंक के ही लीड रह गई है बेमेतरा के पास। नंबर 2 की जर्सी सुजीत है और पहले मर्तबा पहले हाफ की खेल में थोड़ी सी अपने आप को मुश्किल में पा रहे थे, अंत में उन्होंने रिकवर किया और एक मर्तबा फिर से वो मैदान में उनकी वापसी हुई पहले ही हाफ के खेल में, और अब जाकर के रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर है। ऑफिशियल टाइम आउट बुलाया, जो समय मिला है वो निश्चित रूप से वो उसको भुना रहे हैं। ऑफिशियल टाइम आउट के बाद एक मर्तबा फिर ये मैच अब आगे की ओर बढ़ रहा है, जहां रेड की कमान है शोमो के ऊपर नंबर 1 की वो जर्सी। टीम 2 अंकों से पिछड़ रही है, जबकि सामने के टीम में जिन्होंने सुपर टैकल की बदौलत शुरुआत में ही अपनी टीम को वापसी कराया, और वापसी कराया नहीं बल्कि दूसरी ओर गोडवाना विक्टोरियस रायपुर के टीम को पहले ही हाफ में ऑल आउट का वो रास्ता भी वो समय देखने पे मजबूर किया। 2 अंकों की लीड के साथ इस समय बेमेतरा का ये रेडर सुजीत नंबर 2 की जर्सी के साथ, हालांकि कदकाठी वो मजबूत अन्य रेडरों की अपेक्षा है नहीं, लेकिन जिस तरह की चपलता है और चपलता के साथ साथ जिस तरह की उनकी सोच है वो सोच ही उनको फायदा दे जाता है इस रेड पे खास तौर से। लेफ्ट रेडर है सामने, फुल हाउस मैदान, भरा हुआ मैदान 7 खिलाड़ियों से रायपुर का। दिनेश निकल रहे हैं, सामने 4 का डिफेंस है उनके लिए बोना साफ है, और नंबर 11 की वो जर्सी लेफ्ट रेडर, जब टीम का राइट कॉर्नर है परसु वारियर्स बेमेतरा के लिए। टीम के पास 2 अंकों की लीड है, जल्दीबाजी कर नहीं रही है दोनों टीमें, डू अडाई का इंतजार कर रही थी टीम रायपुर गोडवाना विक्टोरियस के टीम। वो समय आ गया है, क्या रेडर को वो टेकल कर जाएंगे या डू अडाई में रेडर अपने आप को सुरक्षित कर जाएगा, और जय समय रहते ही उनको टच के लिए जाना होगा। डिफेंस को थोड़ी सी हिलाने की कोशिश है दोनों छोर से कॉर्नर को, कवर पे 2 खिलाड़ी हैं, सी फॉर्मेशन में डिफेंस खेल रहा है, और थोड़ी सी अंदर जब भी आएंगे अकेले आए, और कॉर्नर से दोनों थाई का के डू अडाई में रेडर बाहर बेमेतरा के लिए, और उस टेकल की बदौलत अब 23 अंक पर 24 और 23 के मुकाबले डू अडाई की मांग हो रही है। और लेकिन ऑफिशियली तौर पे कोई जानकारी है, लेकिन मैच बड़ा नजदीकी का मुकाबला है दोनों टीमों के बीच, और चाहे बेमेतरा हो या रायपुर, परशुराम वारियर्स बेमेतरा एक मनोवैज्ञानिक 1 ही अंक की लीड पर है, और उस लीड की कभी भी उसकी भरपाई की जा सकती है, कभी भी वो हवा हो सकता है, ऐसा नहीं है कबड्डी के खेल में। अभी तो 8.5 मिनट के आसपास का खेलाना बाकी है, डू अडाई का रेड है, सुपर टैकल का मौका जरूर है, लेकिन यहां से ऑल आउट की भी नजदीक है टीम, 3 खिलाड़ी काम हो गया, जो मौका मिला उसको भुना लिया दोनों हाथ से, सुपर टैकल के 2 अंक बटोरा और 24 से 26 पे पहुंचाया अपने आप को परशुराम वारियर्स के खिलाड़ी बेमेतरा के खिलाड़ियों ने। तो अंकों की लीड 1 थी, अब वो 3 हो चला है, जबकि 6 का डिफेंस, 6 खिलाड़ी है मैदान के ऊपर गोडवाना विक्टोरियस रायपुर के लिए। नंबर 11 की जर्सी रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर, वो आए और भीमेश आए, उन्होंने वॉक लाइन को पार किया, पूरा समय लिया रेड में,
और अपने आप को खाली खींचा और इस समय की मांग के साथ भी कुछ रणनीतियां जो बनती है कबड्डी की कोर्ट पर वो किस तरह से उसको अब चलाते हैं काफी मायने रखता है। और नंबर 9 की जर्सी रेड वो है इस समय रायपुर के लिए, 4 का डिफेंस है मतलब कि रेडर को अंदर जा करके डीप जा करके गहराई में उतार करके वो टच के अंग बटोरने होंगे अगर रायपुर के रेडर को अंग बटोरना है तो, बसरते डिफेंस गलती ना करे बेमेतरा का। और बेमेतरा के सामने जबकि बोना सोहन है लेकिन जिस तरह के अंकों की लीड 3 है थोड़ी सी अपने आप को डू अडाई की ओर आगे खींच रहे हैं लेकिन अभी काफी कुछ समय बचा हुआ है, काफी समय बचा हुआ है। राजेंद्र अब पूरा समय वो ले रहे हैं अपने रेट पर, वो लगातार निगाहें हैं घड़ी के ऊपर और अब जा करके वो वापस जाएंगे खाली मैदान के ऊपर। इधर लंबे कद के रेडर जा करके पैर ही चलाया और डू अडाई का जो इंतजार हो रहा है क्या वो समय अब आ गया है। हुटर की आवाज रेडर को बिल्कुल ये सुकून देता नहीं, उनके लिए मुसीबत भरा रेड है यहां से लेकिन जल्दीबाजी कर गया डिफेंस। डू और डाई में हमेशा आपको संभालने की जरूरत होती है, सब्स्टिट्यूशन की मांग है बुढ़वाना विक्टोरियस रायपुर के टीम के द्वारा, उनके टीम कोच ने एक सब्स्टिट्यूट किया है खिलाड़ी को। समय गुजरता चला जा रहा है, अंकों की बढ़त इतनी है नहीं, लीड इतनी मजबूत है नहीं। डू और डाई करे आशीष को बुलाया है, डू और डाई स्पेशलिस्ट है संभवता और उसको अजमाया जा रहा है। बोना साफ है सामने, 5 का डिफेंस अंदर गए, एक खिलाड़ी को छकाया लेकिन दो दो खिलाड़ी इकट्ठे आ गए उस टेकल में शामिल होने के लिए और तब जाकर के उस टेकल को पूरा किया गया। 23 और 28 के मुकाबले अब यहां से अंकों के लीड को मजबूत कर रहा है भीमेश। नंबर 11 की जर्सी लेफ्ट रेडर, 4 खिलाड़ी सामने, टीम के पास लीड है बेमेतरा परशुराम वारियर्स के पास और वारियर्स बिल्कुल सूझबूझ के साथ, हालांकि परशुराम बहुत वो जल्दबाजी वो उत्तेजित हो जाया करते थे लेकिन उसके विपरीत इस समय परशुराम वारियर्स बेमेतरा के खिलाड़ी बिल्कुल शांत रूप से बिल्कुल रणनीति जिस तरह से उन्होंने बना के रखी हुई है बिल्कुल उसी तरह से इस समय उनकी खेलने की जो अंदाज है वो मैदान के ऊपर है। थोड़ी सी पैसिव फुटवर्क जरूर है और क्या उसको वो पैसिव फुटवर्क को अंक के रूप में तब्दील कर पाएंगे रायपुर के लिए, रायपुर पिछड़ रहा है अंक के मामले में। और इधर खगेश आए और दोनों भुजाओं के साथ सीने से सीने मिलाकर के आगोश में लिया, रेडर को मैट के ऊपर दबाया, टेकल को पूरा किया अपने मैदान के ऊपर परशुराम वारियर्स बेमेतरा के लिए। खगेश हालांकि वो अब रेड करते नहीं है, बहुत कम रेड पे वो अपना हाथ अजमाते हैं लेकिन डिफेंस को और टीम को अंतिम 5 मिनट का इशारा हो रहा है ऑफिशियली तौर पे मैच रेफरी के द्वारा और 3 खिलाड़ी जबकि मैदान के ऊपर। सुपर टेकल का मौका वो संभवतः डू और डाई पे ही मिल पाएगा जिस तरह से अब यहां से खेल की गति को धीमे करने के साथ साथ अंकों को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है बेमेतरा के खिलाड़ियों के द्वारा। क्या ये डू और डाई का रेड है? अभी ये डू और डाई का रेड है, यहां से 2 अंक बटोरे जा सकते हैं और दूसरी ओर आउट की ओर धकेले भी जा सकते हैं, दोनों रिजल्ट पॉसिबल था। अंत में रेडर डू और डाई में सुरक्षित हुए और जहां 2 अंक बटोरने की संभावना थी वो भी अब खारिज हो गया है रायपुर के लिए। 2 ही खिलाड़ी है जहां एक खिलाड़ी इस समय रेड की कमान के साथ बोनस देना पसंद कर रही है टीम बेमेतरा परशुराम वारियर्स लेकिन उनको भी पता है कि यहां से बोनस का अंगूठे के वो इशारा थमक का वो इशारा दोनों छोर से मैच के इस ऑफिशियली तौर पर निर्णय के द्वारा अंतिम 4 मिनट का खेल अभी भी आना बाकी है। हेलो फोर्ते जी एक मिनट अंतिम पुनः सुन ले, खैरागढ़ योद्धा वर्सेस देवरानी रॉयल्स चौदा बाजार के लिए द्वितीय पुकार, दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण कर रहे हैं अपनी, दोनों ही टीम के लिए द्वितीय पुकार, खैरागढ़ योद्धा वर्सेस देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार। आने वाले मैच की जानकारी आपको ऑफिशियली तौर पे हो चुका है और करने में सोमू की टीम सफल हो जाती है
तो वहां से बराबरी के आसपास का मैच होगा और काफी कुछ इस रेडर के ऊपर निर्भर करेगा किस तरह की उनकी रेड होती है आने वाले समय में, किस तरह के वो रेड रेड पे चल पाते हैं। रायपुर के लिए बोनस के लिए एक मरतबा पैर डाला और बोनस प्लस टच अंक स्वीकारा है, तो दो अंक बोनस के साथ एक टच अंक 24 से बढ़कर 26। वॉक लाइन को पार किया रेडर ने और क्रॉस क्रीज जो चैलेंज क्रीज भी एक तरह से रेडर के लिए, उसको अगर वो पार ना कर पाए तो स्वतः उनको आउट हो जाते हैं। उस लाइन को तो लकीर को तो उन्होंने पार कर लिया है लेकिन उसके बाहर से ही अपने रेड को जारी रखा है। उनकी निगाहें लगातार उन घड़ियों पर है जहां तक वो 30 सेकेंड रेडर के लिए वो लगातार उन निगाहें उनके ऊपर बना के रखे हुए हैं, पूरा समय ले रहे हैं। अंतिम 3 मिनट का खेल यहां से अब रह गया है इन दोनों टीमों के पास, लेकिन उसमें खास तौर से रायपुर के लिए यह अंतिम 3 मिनट का खेल जिस तरह से वो अगर बढ़िया तरीके से अगर वो खेल जाते हैं तो निश्चित रूप से अंकों का अंतराल कम होगा और यहां से एक अंक की भरपाई कर लिया तो अब अंकों का जो लीड रह गया है वो 7। यहां से परशुराम वारियर्स अगर ये मान के चल रहे हो कि वापसी नहीं कर सकता गुड़वाना वॉरियर्स रायपुर के टीम, तो उनकी गलती है। एक एक अंक वो बोनस से देना पसंद कर रहे हैं, अगर डिफेंस से भी अंक लीक हो जाती है टीम के बेमेतरा के तो बेमेतरा भी अपने आप को मुश्किल में पाएगा। बेमेतरा लीड पर जरूर है लेकिन अंकों का लीड 7 है, बोनस के साथ अगर टच अंक सुनिश्चित कर जाते हैं सोमो अंतिम 2 मिनट का इशारा, लेकिन जितनी जल्दी बोनस कर रहे हैं उसका भी फायदा मिल रहा है। अब तो 28 अंक पर 27 से 28वें अंक पर डूआडाई का रेड है, यहां डिफेंस के पास मौका बहुत बढ़िया समय है एक अंक और कम करने का उस लीड में, समय का इंतजार और रेडर हालांकि पूरा समय लेंगे, उनको भी समय गुजारने की हिदायत होगी। कवर के ऊपर हाथ फेरा और जिस तरह के हाव भाव है रेडर के, हमारे बीच हमारी बहुत ही सम्माननीय परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती अर्चना मिश्र मैडम का मंच में आगमन हुआ है। आप डिप्टी कमिश्नर हैं बिलासपुर संभाग की, वेलकम मैडम, आपका इस कबड्डी प्रीमियर लीग संघ के द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेंद्र जगत जी से जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, मैडम को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे और ओंकार जायसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा मैडम को मंच में सम्मानित करेंगे। ओंकार जायसवाल जी, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है, ओवर टू राजकुमार राज जी। 29 और 35 के मुकाबले बिल्कुल सेकेंडों का खेल हो चला है, मतलब कि यह है कि बेमतरा को इंतजार है उस लंबे विसिल के साथ और 6 अंक की लीड है उनके पास, तो पूरी टीम अगर ऑल आउट हो जाए इकट्ठे ऑल आउट हो जाए तब जीत की संभावना बरकरार रखी हुई है गुड़वाना वॉरियर्स रायपुर, अन्यथा अपने आप को बिल्कुल जीत के दरवाजे पे पा रही है परशुराम वॉरियर्स बेमेतरा की टीम। फुल हाउस मैदान, एक अंक बोनस का। आदिल मैडम से निवेदन है, डॉक्टर श्रीमती अर्चना मिश्रा मैडम को बैज लगाकर स्वागत करने के लिए और पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए मैं प्राचार्य राजेंद्र जगत जी से निवेदन कर रहा हूँ, जोरदार ताली बजाएं। डिप्टी कमिश्नर मैडम बिलासपुर संभाग इस समय मंच में हमारे बीच मौजूद है, साथ में हमारे बहुत ही आदरणीय अनिल दास जी पूर्व BD अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है, सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है।